हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में। फर्स्ट आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू, एंड वो जो प्रोडक्ट है वो है हमारे VLCC की तरफ से, एंड इट इज नाइट क्रीम। यानी कि ये है VLCC स्निग्धा स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम। सो बढ़ते हैं इस रिव्यू की तरफ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल पर। आप लोग अभी न्यू आए हैं तो बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ मिस कर चुकी हैं। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग अब कुछ मिस करो, तो सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर चाहो तो, एंड कमेंट भी कर देना एंड सब शेयर भी कर देना। बस ये चार स्टेप आपको फॉलो करनी है एंड आपका दिन आज बहुत जाने वाला है, बहुत ज़्यादा लगे। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करूँ उस क्रीम की पैकेजिंग के बारे में, तो सर पैकेजिंग कोई ज़्यादा खास नहीं है, कोई ज़्यादा यूनिक नहीं है इसकी पैकेजिंग। जैसे सिंपली क्रीम की पैकेजिंग आती है उस टाइप के प्लास्टिक के बॉक्स में आती है, ठीक है। फिलहाल पैकेजिंग से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके अंदर के मटेरियल से। पहले जान लेते हैं कि इसका अंदर का मटेरियल यानी कि अंदर की जो क्रीम है उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। वैसे ऑलरेडी मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। इनफैक्ट फ्रेग्रेंस को ज़्यादा ही, इसका जो लेवल है वो ज़्यादा ही हाई है, क्योंकि इसकी स्मेल माइल्ड से भी ज़्यादा ऊपर है। मतलब अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम है ना, तो ये क्रीम आपके लिए बनी नहीं है, बिकॉज आप इसको पास नहीं रख सकते। इतना ज़्यादा मतलब हर्बल टाइप की स्मेल है, मतलब किस चीज़ की स्मेल है आई डोंट इवन नो, क्योंकि इसमें भर भर के डाला गया है फ्रेगरेंस का केमिकल। जी हाँ, इसकी फ्रेगरेंस से लग रहा है कि इसमें फ्रेगरेंस का केमिकल डाला गया है, बिकॉज अगर ये नेचुरल होती इतनी ज़्यादा स्मेल ना आ पाती, ठीक है। तो ये सिर्फ माइनस पॉइंट था, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग स्मेल से, मुश्किल लोगों को प्रॉब्लम होती है स्ट्रॉन्ग स्मेल से, तो ये क्रीम आपके लिए नहीं बनी है। नंबर सेकेंड अगर बात करूँ इसकी टेक्सचर की, तो उसके टेक्सचर मैं अभी आपने हैंड को ब्लैक पे दिखाती हूँ। ये मेरा है, यहाँ पर हैंड है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो मैं अपने जगह से उसको प्रेट कर लिया, अब मैं आपको उसको इवन तरीके से मसाज कर दूँ, ठीक है। कोई कटने वाली कोई एडिट नहीं कर रही हूँ इसको मैं, ओके। सो ठीक है, फॉर्मूला बहुत बहुत इजी एप्लीकेशन है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस फ्रेगरेंस को छोड़ के जो ये इसका मेन चीज़ थी। एंड अगर बात करूँ उसकी ग्रीसीनेस की, तो ग्रीसी ये नहीं है, ठीक है, बट हो जाती है अगर आप उसको छोड़ दो ओवरनाइट छोड़ दोगे, तो आपका जो फेस है वो मिलेगा आपको उस रोड की रिफाइनिंग फैक्ट्री, एंड आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा पिंपल्स। ये जो क्रीम है गाइस, ये ऑयल स्किन वाले के लिए सूटेबल नहीं है। इसका इसमें साफ साफ मेंशन है ऑल स्किन टाइप, ठीक है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। मैं आपको यहाँ पे अभी कुछ उठ के दिखाती हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ब्लैक कलर का छोटा सा लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। तो यही बन गया हो जाता है सेफ्टी पिटिकल, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि सेंसिटिव स्किन वाले के लिए सूटेबल ना हो, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग स्मेल से, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, तो आपको सूट नहीं करने वाली ये क्रीम। अगर बात करो उसकी क्लेम्स की, बढ़ते हैं क्लेम्स की तरफ, तो ये इसके क्लेम्स है लाइटन स्किन टोन, रिड्यूस द स्पॉट्स एंड प्रमोट सेल रिन्यूअल, ओके। तो क्लेम्स ठीक है, बट जब आप इसके बढ़ेंगे इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ, तो मुझे लगता नहीं कि इनमें से एक भी इसका क्लेम होने वाला है सच, क्योंकि एक बार मैं आपको दिखा दूँ उसके इंग्रेडिएंट्स, जिसमें भर भर के साफ साफ मेंशन है पैराबेंस, परफ्यूम एंड बहुत सारे अदर केमिकल्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके मैं क्या बोलूँ, उसकी आउटर कवर पर यहाँ पे साफ साफ मेंशन है नेचुरल, बट पीछे है केमिकल, ठीक है, आगे नेचुरल पीछे केमिकल। इट्स क्या मतलब, आप नाइट क्रीम के चक्कर में लगा रहे हो केमिकल्स, और उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो 250 या 270 रुपीस। अगर आप उसको डिस्काउंट में भी लेते हो तो कितना डिस्काउंट भाई, कितना डिस्काउंट, 200 आई गेस 140 150, तो इतने पैसे भी आपको क्यों खर्च नहीं है
जब आपको इसमें मिल रहे हैं केमिकल्स, बिकॉज VLCC क्लेम करती है दैट दे आर 100% नेचुरल. बट अगर मैं बात करूँ इस क्रीम की, आई डोंट नो अदर प्रोडक्ट्स, अभी अदर प्रोडक्ट्स को भूल जाते हैं VLCC की, अभी बात कर रही हूँ मैं सब इस नेट क्रीम की, जिसमें साफ साफ यहाँ पे फूल पत्तियाँ बना दी हैं. जैसे कि अक्षय कुमार बोलते हैं कि सिर्फ फूल पत्ती दिखाने से कुछ नहीं होता, तो आज मैं प्रूव कर रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पिक्चर एक फ्लावर की या फिर मुलेटी, आई थिंक डोंट नो व्हाट इज दिस इंग्रेडिएंट कॉल्ड, इफ यू नो दैट डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो. आई डोंट नो कि पता नहीं आप लोग, आपने यहाँ पे चिपका दी है एक फूल पत्ती वाली पिक्चर, एंड दैट यू गाइस आफ्टर आफ्टर प्रूव करना चाहते हैं दैट यू गाइस वेंट टू प्रूव दैट इट इज 100% नेचुरल. इज इट सो? सही में ये होता है, क्योंकि हम में से कस्टमर्स, मतलब हम में से क्या, वो हम सब में तो हम लोग सब विश्वास करते हैं सिर्फ उसकी आउटर कवरिंग पर, उसकी क्वालिटी पर, बस हो गया काम हमारा. हम देखते ही नहीं है कि हम पीछे क्या चल रहा है, यहाँ पे हमें पलट के देखना ही नहीं है. आगे फूल पत्ती चिपका दी मतलब भैया वो 100% नेचुरल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. VLCC ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इनफैक्ट मैं भी इसके प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक 100% क्या, छोड़ो मैम मुझे आप इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है. तो ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. अगर आप फिर भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू आर वेलकम, बिल्कुल परचेज करिए आप. इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है VLCC से, इनफैक्ट आई वॉज अ VLCC फैन, बट अब नहीं हूँ जैसे जब से मैंने इसका रिव्यू किया, जब मैंने इस क्रीम को ट्राई किया. तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू गाइस